हाथ जोड़ती रही महिला, नगर पंचायत ने घर के आगे खड़ी कर दी दीवार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नगर पंचायत के आगे एक परिवार बेबस अपने घर के गेट पर दीवार खड़ी होते देखता रहा। गरीब परिवार ने काफी गुहार लगाई, लेकिन चेयरमैन के आदेश के बाद उसकी एक नहीं सुनी गई और घर के गेट को दीवार से सील कर दिया। यही नहीं, परिवार के लोगों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो उनको धमकाया गया। परिवार के साथ खुले तौर पर कोई सामने नहीं आया, क्योंकि सामने सत्ता पर बैठा चेयरमैन। कुछ लोगों ने दबे जुबान इस बात को लेकर पीड़ित परिवार के पक्ष में होने का दावा किया, लेकिन सामने कोई भी आने से कतराता दिखा। पूरा मामला हाथरस जनपद के सादाबाद तहसील के नगर पंचायत सहपौ का है। यहाँ गोपाल पिता सत्य प्रकाश की निजी जमीन पर मकान बना दिया। इस जमीन को सत्य प्रकाश ने 1970 में लाला राम से बैनामा कराया। उसने कुछ जमीन में मकान बनाया और घर के आगे कुछ जमीन छोड़ रखी थी। इस जमीन में वह अपने पशुओं और सामान रखने में उपयोग कर रहा था। पिछले दिनों इस जमीन के समीप खाली पड़े जमीन को, जो गढ़ी के नाम से जाना जाता है, उस पर पार्क बनाने की बात शुरू हुई। पीड़ित का आरोप है कि इस पर चेयरमैन ने प्रस्ताव पारित कराकर एक पार्क का निर्माण शुरू कराया और पीड़ित की खाली पड़ी जमीन को भी इसमें शामिल कर लिया। पीड़ित का आरोप है, इस चेयरमैन से इस बाबत मिला तो उन्होंने कहा जमीन चाहिए तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पीड़ित ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया। विरोध को देखते हुए चेयरमैन ने पुलिस को बुलाकर पीड़ित को उठवा दिया। इसके बाद पार्क निर्माण के नाम पर पीड़ित के खाली पड़े जमीन को भी पार्क के बाउंड्री में शामिल कर लिया गया। बाउंड्री वॉल होने से पहले पीड़ित ने इसकी शिकायत SDM से की। SDM ने कहा तुम्हारा बैनामा फर्जी है। इसके बाद पीड़ित कोर्ट चला गया। कोर्ट ने एक नोटिस जारी की। शनिवार और रविवार होने की वजह से नोटिस तामील नहीं हो पाया। कोर्ट से नोटिस जारी होने की बात की भनक लगते ही आनंद फानंद में शनिवार और रविवार के दिन ही पीड़ित की खाली पड़ी जमीन को भी पार्क की बाउंड्री में शामिल करा लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित के घर के गेट को दीवार से जाम कर दिया। आप इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी गई। इसके बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सत्ता पर बैठे सत्तासीन जनप्रतिनिधि अपनी ही जनता को किस प्रकार परेशान कर रही है, इसकी वानगी यहाँ देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी चेयरमैन पर कई आरोप लग चुके हैं। एक ऐसे ही मामले में चेयरमैन उनके पिता भी जेल जा चुके, साथ ही उस समय के कई कर्मचारी भी जेल की हवा खा चुके, कई की नौकरी भी जा चुकी, लेकिन चेयरमैन है कि मानते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से गरीब लोग सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस सत्ता के नशे में इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर साफ सुथरी योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। पीड़ित के आरोप पर हमारे संवाददाता ने चेयरमैन से बात करनी चाहिए तो उनका फोन नहीं मिला। क्या कुछ चेयरमैन साहब से तुम्हारी वार्ता हुई थी? हुई थी साहब। क्या वार्ता हुई? 2 लाख रुपया मांगे वो कहते। फिर आपने क्या कह दिया? मैं नहीं दूंगा 2 लाख रुपए साहब, मैं नहीं दूंगा। मेरी जमीन है, मेरे कागज है, तो मैं कैसे पैसे दे दूंगा? 2 लाख रुपए मांगे थे। ये जमीन किन, इसकी ये मकान किन का है? इधर साइड में ख्यालीराम नेताजी का। क्या ख्यालीराम नेताजी की हद जो है आपके बैनामा में है? इधर इधर मकान किसका है? विष्णु भगवान जी का है। ये मकान किसका है? मेरा है, गोपाल जी का है। ये किसकी जगह है? ये पार्क की जगह, गढ़ी। ये जगह गढ़ी की है? हाँ जी। ये जगह दक्षिण में, उत्तर में किन की है? बबलू की गढ़ी है। थैंक कौन बना है टूटने का? मैंने कहाँ कहाँ पे तो आ रहे हैं।
उम्मीद है कि सुशासन की योगी सरकार पीड़ित को न्याय दिलाएगी। हाथरस से डॉक्टर राम बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट।